छठा टेस्ट मैच जीत क्रिकेट टीम इंडिया WTC फाइनल में पहुंच पाएगी। इन सभी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा और आखिरी टेस्ट कल से खेला जाएगा। मैच गुरुवार सुबह 9:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुरू होगा। टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच दोनों ही देशों के लिए बहुत अहम है। भारत इस वक्त सीरीज में 2-1 से आगे है। चौथा टेस्ट जीतने पर टीम सीरीज जीतने के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश कर जाएगी, जहां टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से ही होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट जीत गई तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। ऐसे में ट्रॉफी तो भारत के पास ही रहेगी, क्योंकि भारत ने 2020-21 में पिछली टेस्ट सीरीज जीती थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया 20 साल में पहली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ड्रा करने का कारनामा कर लेगी। पिछली बार 2003 में ऑस्ट्रेलिया में दोनों के बीच सीरीज 1-1 से ड्रा रही थी। टेस्ट मैच जीतने पर भारत WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा, लेकिन हारने या ड्रा की स्थिति में भारत को न्यूजीलैंड श्रीलंका टेस्ट सीरीज के नतीजों का इंतजार करना होगा। अगर श्रीलंका 2-0 से न्यूजीलैंड को हरा देता है तो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच WTC का फाइनल होगा। आखिरी टेस्ट ड्रा होने की स्थिति में भारत सीरीज तो जीत लेगी, लेकिन WTC फाइनल के लिए उसे न्यूजीलैंड श्रीलंका टेस्ट सीरीज के नतीजों का इंतजार करना होगा। दोनों ही देशों के प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी दोनों देशों के बीच टेस्ट मैच देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के PM एंथनी एल्बनीज जल्द ही भारत पहुंचेंगे, वहीं भारत के PM नरेंद्र मोदी मैच के दिन ही अहमदाबाद जाएंगे। दोनों टेस्ट मैच में पहले दिन का खेल देखेंगे। अहमदाबाद का क्रिकेट स्टेडियम दुनिया में सबसे ज़्यादा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम है। यहाँ 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। क्रिकेट के ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।